अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसा टेलीफोन बूथ है जो आपके मरे हुए परिजनों से आपकी बातचीत करवाएगा तो क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह टेलीफोन बूथ है जापान के ओत्सुची शहर में प्रशांत महासागर के पास। ये कब्रिस्तान में बना हुआ एक टेलीफोन बूथ है। यहाँ पर लोग अपने मरे हुए परिजनों से बातचीत करते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक नोटबुक भी रखा है जिसमें वो लोग अपने परिजनों तक संदेश पहुँचाने के लिए नोटबुक में अपने मन की बात लिख देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बात उनके परिजनों तक पहुंच गई है। दरअसल तारू सासाकी नाम के एक व्यक्ति ने इस टेलीफोन बूथ को अपने भाई की याद में लगवाया था। साथ ही उसने यहाँ एक नोटबुक भी रखी थी। इसमें अपने मृतक परिजन के लिए संदेश लिखता था। सबसे पहले सासाकी ने इस टेलीफोन का इस्तेमाल किया क्योंकि उसको अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद 2015 में जापान में सुनामी आई। सुनामी में एक बच्चे ने अपने दादा को गंवा दिया। दादा की मौत के बाद वो बच्चा रोज इस टेलीफोन बूथ में आकर उनसे बातें करता। जब दूसरे लोग ने बच्चे की बात सुनी तो वो भी टेलीफोन बूथ पर पहुंचने लगे। इसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि इस फोन के जरिए वो अपने मृतक परिजनों से बातचीत कर सकते हैं। कई लोगों ने दावा भी किया है कि उन्होंने अपने परिजनों से बातचीत की है।